डेंगू बुखार के चलते एटा मेडिकल कॉलेज में मीडिया की टीम ने मरीजों से खास बातचीत करते हुए मरीजों का हाल जाना। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से डेंगू बुखार से जनपद भर में हड़कंप मचा हुआ है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी उमेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि जनपद में डेंगू से लोग भयभीत हो गए थे, जिसका कारण निजी लैब है। उन्होंने बताया कि निजी लैब पर लोग बुखार की जाँच करवाने जाते हैं और लैब वाले रिपोर्ट गलत देते हैं। प्राइवेट लैब के संचालकों ने अफवाह फैला रखी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जैसे ही डेंगू की सूचना जिले में मिली, वैसे स्वास्थ्य विभाग की टीमों को नियुक्त कर डेंगू चेक करने के लिए कैंप लगाकर लोगों की जांच की गई। आपको बता दें कि अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने जिले में करीब 387 गांव में कैंप लगाकर 78,575 मरीजों को जांचा, जिसमें से 617 पॉजिटिव पाए गए। सीएमओ त्रिपाठी ने बताया कि एटा मेडिकल कॉलेज में सभी मरीजों का निरंतर ओपीडी लगाकर चेकअप किया जा रहा है। जो डेंगू पॉजिटिव निकलता है उसे तत्काल उपचार दिया जाता है और मरीज ठीक होकर घर जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी पिछले 2 महीने में हमारे जो जहाँ से भी खबर हमको मिलती थी कि यहाँ फीवर के केस भी थे, तो हमारी टीम वहाँ जाती थी और वहाँ पर हम कैंप लगाया करते थे और लगभग हमने 387 गाँव में कैंप लगाए हैं और वहाँ पर हमें 78,575 जो है वो फीवर के केस देखे, जिसमें कि डेंगू कार्ड से हमने 6,653 टेस्ट कराए और उसमें 617 केस जो है वो NS1 की पॉजिटिव निकले, जिनको हमने ट्रीटमेंट दिया और वो सब ठीक हो गए।